कहते हैं ना, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। तो ठीक उसी प्रकार आज एक ऐसे ही हम आपको वीडियो लेके आए हैं, और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इन नन्हे मुन्ने बच्चों ने अपनी आवश्यकता के अनुरूप किस तरह से छोटे छोटे घरौंदे और खिलौने बनाए हैं। तो सबसे पहले इन बच्चों से थोड़ी बातचीत करते हैं और इनका परिचय पूछते। क्या नाम है बेटा तेरा? निकिता। निकिता, निकिता पीछे क्या लगाते हो सरनेम? निकिता कंवर। निकिता राजपुरोहित। निकिता राजपुरोहित, पिताजी का क्या नाम है? गुमान सिंह। गुमान सिंह जी, तो चलिए हम इन बच्चों से बातचीत करते हैं और आपको घरौंदे भी बताते हैं। देखिए इन बच्चों ने अपनी कलाकृति और अपने हाथ से ही देखिए किस तरह से छोटे छोटे खिलौने बनाए हैं। हम आपको इन खिलौना का सारा परिचय करवाएंगे। इससे पहले कि आपको ये खिलौने सारे बता दें, हम आपको ये खिलौने हैं। देखिए आपका क्या नाम है बेटा? मेरा खुशी। खुशी राजपुरोहित, तो आपने ये खुद स्वतः ही हाथ से बनाए हैं या फिर किसी ने आपको बना के दिए सारे खिलौने? मैंने खुद ने बनाए। आपने खुद ने बनाए, तो देखिए हम आपको बताते हैं ये खिलौने कौन कौन से खिलौने इन्होंने हाथों से बनाए हैं, उन सारे खिलौने के बारे में हम आपको अवलोकन करवाते हैं। बेटा ये क्या है? ये चटनी बनाने के लिए। ये चटनी बनाने के लिए। अच्छा, ये चटनी बनाने के लिए इन्होंने बना दिया। और ये क्या बनाया है? ये गेहूँ का आटा रखने के लिए। अच्छा, गेहूँ का आटा रखने के लिए ये कोठी बना दी है इन्होंने। और ये क्या है? ये परात है, आटा गोंदने के लिए बनाई है इन्होंने। अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत बनाए हैं आपने। तो ये क्या बनाया है आपने? ये सब्जी बनाने के लिए बनाया है इन्होंने। और ये देखिए, ये जो रोटी बनाने के लिए छकला बना दिया इन्होंने। और ये बना दिया इन्होंने बेलन, जो बिल्कुल ही बेलन के आकार का बेलनाकृति ही, बहुत बढ़िया सुंदर खूबसूरत बनाए हैं आपने ये घरौंदा। बारिश का मौसम है और बच्चे आनंद ले रहे हैं, खेल का लुत्फ़ उठा रहे हैं। ये देखिए इसने ये स्टोर बना दिया है, ये कोठी, जिसमें कुछ सामान भी स्टोर किया हुआ है। बिल्कुल मिर्ची है, नमक रखा है इसमें। और ये देखिए ये जग बनाए हैं। देखिए जग का किस तरह से इन्होंने ये आता भी बना दिया है पकड़ने के लिए, तो ये जग बनाए हैं इन्होंने। और यहाँ पर ये क्या है बेटा? केतली। ये केतली बना दी, देखो, चाय को रखने के लिए। और ये क्या बनाया आपने? ये कोठी। ये भी एक कोठी बना दी इसने। और ये क्या है? रोटी रखने के। ये रोटी रखने के लिए गर्म टिफिन बना दिया है, जिसमें गर्म गर्म रोटी रखेंगे और बच्चे खाएंगे। इसमें क्या है? चावल। ये चावल पकाने के लिए कुकर बना दिया है, जो छिट्टी मारेगा यहाँ से ऊपर से। ये देखो छिट्टी बना दी, बहुत बढ़िया खूबसूरत नज़ारा है, बहुत अच्छा बनाया है ये। और ये क्या बनाया है? चाय बनाने। ये चाय बनाने के लिए बना दिया, देखो बहुत ही बढ़िया सुंदर नज़ारा, खूबसूरत है आपकी कलाकृति, बहुत बढ़िया। ये क्या है? छकला। ये छकला बना दिया, अरे वाह, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। ये क्या है? ये सारे गिलास। ये सारे गिलासें हैं। और यहाँ पर ये बनाया, जो ये क्या है? चम्मच। ये चम्मच है, देखो इसमें नमक और मिर्ची तो इसने पहले से ही रख दिए हैं, बहुत बढ़िया। कितने प्यारे और भोले भाले बच्चे अपने हाथों से ये सारे खिलौने बना करके खेल रहे हैं। ग्रामीण परिवेश हैं, गांव के अंदर ये सारी सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती हैं, जहां शहरों के बच्चे जो मार्केट से मिले बने बनाए खिलौनों से खेलते हैं। लेकिन यहां पर ये बच्चे इन्होंने स्वतः ही अपने हाथ से ही बना करके ये बच्चे खेल रहे हैं। आपको और भी इस बच्चे की कलाकृति बताएंगे। इस कलाकृति में देखिए इसने ये बना दिया है गैस का चूल्हा, जो ये चूल्हा है बिल्कुल ही, इसमें गैस जलेगा और खाना भी पकेगा। और यह है टंकी बना दी है, जिसमें गैस भरी जाएगी, बहुत बढ़िया सुंदर। और ये यहाँ पर इसने बर्तन धोने के लिए ये चौक बना दिया है। और किस तरह से बच्चे देखो अपने आनंद से खेल रहे हैं, बैठे हैं। और एक और बड़ी चीज़ हम आपको बताएंगे, इसने पानी रखने के लिए भी बनाया है यहाँ पर। ये पानी रखने के लिए है ना? हाँ। ये पानी रखने के लिए बना दिया। और पास में ये क्या है? फ्रीज। ये फ्रिज बना दिया, अरे वाह, बहुत बढ़िया। ये देखिए फ्रिज किस तरह से बनाया है इसने। ये फ्रिज है, फ्रिज के अंदर देखो सामान भी सजा हुआ है और सामान पड़ा है। देखो ये किस तरह से फ्रिज के अंदर कौन कौन सा सामान रखा हुआ है इसमें? गुल्फी, आइसक्रीम। आइसक्रीम भी रख दिया आपने, अरे वाह, क्या बात है। देखो बच्चों की किस तरह की आकांक्षाएँ होती है, किस तरह से बच्चों ने अपने सारे जो सामान है सुनियोजित तरीके से व्यवस्थित रखा है। और छोटे छोटे बच्चे ये घरौंदों के रूप में अपने खिलौने रख करके ये छोटे छोटे घरौंदे बना करके खेल रहे हैं। बहुत बढ़िया प्यारा सा वातावरण है, मौसम बरसात का है, तो जब बरसात का मौसम होता है तो गांव में बच्चे घरौंदे बना करके खेलते हैं। ये है कुंडल, जो शिवाणा तहसील का एक छोटा सा गाँव, जहाँ पर ये बच्चे खेल का आनंद ले रहे हैं।